हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर किसी को ये पसंद होता है। तो आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा, और इसका बेस आज हम घर पर ही बनाएंगे बिना ओवन के। गैस पर इसका मैं बेस बनाकर तैयार करूँ, और एकदम ऐसा जैसे हम बाज़ार से पिज्ज़ा लाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पिज्ज़ा मैं आज घर पर बनाऊँगी उसका बेस तैयार करके। और कोई कह नहीं सकता कि आपने ये घर पर बनाया है, ऐसा पिज्ज़ा आज हम बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, तो हम यहाँ 2 कटोरी भरकर मैदा ले लेंगे। मैदा को हम छान कर ले लेंगे। यहाँ देखिए मैंने छलनी ले ली है, और इसमें मैंने 1 कटोरी पहले मैदा डाल दिया है। इसको मैं छान लूँगी, फिर मैं इसमें 1 कटोरी और मैदा डालकर उसको भी मैं छान लूँगी, और इसमें ही मैं 1/2 चम्मच नमक भी डाल दूँगी। अब ये देखिए नमक और इस मैदा को मैंने छान लिया है। अब इसमें मैं 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी, और फिर इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। हम तेल को मैदा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ऐसे हाथ से अच्छे से तेल को हमें मैदा में मिक्स कर लेना है। तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये देखिए मैंने पानी ले लिया, और ये पानी न तो ठंडा होना चाहिए और न गर्म होना चाहिए, नॉर्मल पानी लेना है हमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको अंदर हमें डालना है। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच ईस्ट डाल दूंगी, तो 1/2 चम्मच भर के इसमें हमें ईस्ट डालनी है, और फिर इस आटे को हम गूंद लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरे आटे को इकट्ठा कर लेंगे। इसको हमें आटे की तरह नहीं गूंदना, बस इसको हमें इतना गीला करना कि ये इकट्ठा हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से इसको गीला कर लेना है। ये देखिए ये टाइट भी नहीं, टाइट नहीं है ज़्यादा, देखिए पतला ही है। तो ऐसे हमें डो बनाकर ये तैयार करना है। तो थोड़ा सा मैं हाथ से इसको गूंद लेती हूँ, ताकि जो ईस्ट है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हाथ से थोड़ा सा इसको हम गूंद लेंगे। अब इसको मैं इकट्ठा कर दूंगी, अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे पहले हम। ये देखिए हाथ से इसको ऐसे इकट्ठा करना। ये देखिए आप परात में मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, और तेल को देखिए परात में मैं हाथ से फैला दूंगी। ऐसे तेल को परात में फैला देना है। अब ये जो डो बनाया है उस डो को हम इसमें रख देंगे, और देखिए ऐसे करके इसको आराम से इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए अब इसको मैं ढक दूंगी, और 2 घंटे के लिए ऐसे ही इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। या देखिए मैंने इसको प्लेट ढक दिया है, या आपके पास कोई प्लेट पर हो या वैसे हो तो वो भी इसके ऊपर आप लगा सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर प्लेट ढक दी है, और इसके ऊपर मैं कोई वजनदार चीज़ रख दूंगी ताकि इसमें हवा न जाए। तो ये देखिए मैंने लोटा पानी का भर कर इसके ऊपर रख दिया ताकि इसके अंदर हवा न जाए। तो अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो चलिए हमें 2 घंटे हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डो कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, देखिए फूल गया ये अच्छे से, ये देखिए। तो दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ में कमी उठाए, तो आप उसको 1-2 घंटे के लिए तो कम से कम रेस्ट पे रख देना, ताकि अच्छे से उसमें कमी आ जाए। तो ये अच्छे से हमारा फर्मेंट हो गया है। तो अब हम 1 चम्मच ले लेंगे, और देखिए इसको साइड में से हटा देंगे। ये देखिए अब ये हमारा डो तो तैयार हो गया। अब इसको हम परात में से निकाल लेंगे, और मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड ले लूँगी, और देखिए उस पर मैं सूखा मैदा डाल दूँगी। थोड़ा सा सूखा मैदा डाल लेंगे, और फिर इस डो को इस पर हम रख लेंगे। देखिए पूरा डो हमने ले लिया है। अब इसको हम ऐसे हाथ से फैलाते हुए देखिए ऐसे करेंगे। ये देखिए अब एक बार इसको फोल्ड कर लेंगे,
और फिर से हाथ से ऐसे इसको हम दबाएंगे ताकि जो भी इसके अंदर एयर बबल्स बने हैं वो निकल जाए। तो हल्के हल्के हाथ से हमें इसको ऐसे दबाना है। देखिए, हल्के हल्के हाथ से दबाना है और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा इसको दबाएंगे और फिर ऐसे फोल्ड करके इसका हम एक रोल की तरह इसको हम बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे। देखिए ऐसे इसको हम इकट्ठा करेंगे ऐसे करके, और ये देखिए ऐसे इकट्ठा करना है इसको हम। ये देखिए इसका एक डो हमने बना लिया है। ये देखिए, अब मैं एक चक्कू ले लूंगी और देखिए इसको ऐसे बीच में से हाफ कर दूंगी ऐसे। अब आधे को मैं रख देती हूँ और एक का मैं डो बना लूंगी। इसमें से करीबन मैं मेरे 3 पिज्जा पेस्ट बन गए थे, तो ये देखिए हाफ रख दिया है मैंने। इसका हम एक डो बनाकर तैयार करेंगे। अब ये देखिए सूखा मैदा लगा लिया है और इसको मैं हाथ से थोड़ा सा ऐसे फैलाऊंगी और फिर बेलन लेकर इसको मैं बेल लूंगी। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया। देखिए मेरा चॉपिंग बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो देखिए इसको बेल लिया। देखिए थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना, ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। ये देखिए इतना हमें इसको मोटा रखना है। तो अब हमारा बेस ये बन गया है, अब इसको हम पकाएंगे। अब गैस पर यहाँ मैंने देखिए तवा रख लिया है और इसको पहले हम अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर जो हमने बेस बनाया इसके ऊपर डाल देंगे और देखिए हाथ से थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे गोल बना देंगे इसको ऐसे। तो ये देखिए इसको मैंने अब फैला दिया है अच्छे से। अब इसको हम ढक देंगे और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको हम 4-5 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक कर पका लेंगे। अब 4-5 मिनट हो गई है और देखिए ढक्कन हटा कर देखेंगे। देखिए हमारा बेस देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। ये देखिए अब इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए हमारे पिज्जा का बेस देखिए बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही मैं अब दूसरा भी बना लूंगी ऐसे ही। तो ये देखिए हमारे पिज्जा का बेस देखिए बनकर रेडी हो गया। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब पिज्जा रेडी करने के लिए मैंने एक लाल मिर्च, एक शिमला मिर्च और एक प्याज और एक हरी मिर्च, 4 चीज़ें मैंने ले लिए हैं। इनको हम थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। देखिए प्याज को मैंने बीच में से काट दिया है और एक बार और काट लूँगी, इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। अब इनको हम देखिए ऐसे अलग अलग दिन में अलग अलग कर लेंगे प्याज को ऐसे। देखिए ऐसे, और लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च को भी ऐसे देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा काट लेंगे। अब जो मैंने पिज्जा का बेस बना के रखा था वो हम ले लेंगे और इस पे हम डाल देंगे टमाटो सॉस और उसको अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। पूरे बेस पर अच्छे से टमाटो सॉस लगा लेंगे। अब गैस पे मैंने एक फ्राई पैन रख लिया और उसमें हल्का सा हम तेल डाल देंगे, हल्का सा गरम कर लेंगे। और जो हमने प्याज और 3 तरह की शिमला मिर्च काटी है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हल्की सी पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक पकाएंगे। अब देखिए ये रेडी हो गए, बस और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्की सी पकाना है क्योंकि हमने जब बेस बनाया था तो हमने साथ में ही इनको नहीं डाला, क्योंकि मैंने पहले आपको बेस बनाकर दिखाया है तो हम बाद में डालेंगे। तो ये हल्की हल्की ही कच्ची सी रह जाएंगी और बच्चे हल्की कच्चा कच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने हल्का सा इनको सॉफ्ट कर लिया है। अब देखिए इस पर मैंने चीज़ डाल दी है कद्दूकस करके। मैं इसके ऊपर दूसरी वाली चीज़ भी डाल दूंगी क्योंकि मेरे पास दोनों तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ बची हुई थी, तो सारी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और फिर जो हमने प्याज शिमला मिर्च जो फ्राई किया है सारा इसके ऊपर भी डाल देंगे। मैंने तवा भी गर्म कर लिया था और अब इसको हम तवे पर रख देंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ओरिगैनो और थोड़ी सी इस पे चिली फ्लेक डाल कर इसको हम ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि हमारी चीज़ पिघल जाए। तो 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे इसको और गैस को स्लो रखेंगे। तो 1-2 मिनट हो गई है, देखिए ढक्कन हटा कर देखेंगे। देखिए दोस्तों हमारा पिज्ज़ा बनकर रेडी हो गया। देखिए एकदम मार्केट जैसा पिज्ज़ा बना है, जैसे हम दुकान से खरीद कर लाते हैं बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम उतार लेंगे। ये देखिए
कितना अच्छा बना हमारा पिज्जा। तो अब मैं इसको काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा एकदम मार्केट जैसा सुपर टेस्टी पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। और देखिए इसका बेस भी हमने घर पर ही तैयार कर लिया है। तो दोस्तों आप भी घर पर ही इसका बेस तैयार करके पिज्जा घर पर ही तैयार कर सकते हो। अब आप बाहर मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर इतना टेस्टी पिज्जा बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ज़रूर एक बार इस तरह से पिज्जा बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बाहर जाकर खाना भूल जाओगे, घर पर ही टेस्टी पिज्जा बनाकर तैयार करोगे, इतना टेस्टी ये पिज्ज़ा बनता है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी पिज्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी।